हाय गाइस, मैं अजय कुंभोज और आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक और हर्बल सेक्टर में 2021 में कौन से बिजनेस आइडिया ज्यादा बूम करने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो कोरोना पैंडेमिक के बाद आयुर्वेदिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बूम किया है, जिसने बूम किया है, ना केवल उसने सर्वाइव किया है बल्कि बूम किया है। और स्पेशली जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, ये च्यवनप्राश है और दूसरे प्रोडक्ट जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, उनकी सेल में एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है और यही ट्रेंड 2021 में भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज की हम आयुर्वेदिक हर्बल सेक्टर में यहाँ पे बात करेंगे जो 2021 में भी बूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम ऑनलाइन सेलिंग की करते हैं। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेलिंग है या किसी भी प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेलिंग का ट्रेंड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, केवल ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट बेच सकते थे। लेकिन अभी जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स है वो भी अपने वहां पे शॉप का ऑप्शन देता है, सेलिंग का ऑप्शन देता है। तो मेरे हिसाब से जो ई कॉमर्स वेबसाइट की तुलना में जो सोशल मीडिया के थ्रू सेलिंग होगी उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सेल करना ज्यादा आसान है और वो ज्यादा बूम करेगा वहां पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सेलिंग। तो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस है वो काफी बूम कर सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक या हर्बल सेक्टर में बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ऑनलाइन सेलिंग एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा ऑनलाइन सेलिंग करना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। उसके लिए आपको केवल एक फॉर्म बनानी है, आपको जीएसटी नंबर लेना है, या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बना सकते हैं, किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, या आप खुद की मार्केटिंग फर्म बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बनवा सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं लगा सकते तो वहां पे भी आप जीएसटी नंबर लेके अपने प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बना के और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग के लिए चाहे हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट करें या कोई भी प्रोडक्ट करें तो हमें जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो आप जीएसटी नंबर लेके अपना डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म या मार्केटिंग फॉर्म करके ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं। अगर हम दूसरे बिजनेस आइडिया की बात करते हैं तो वो रहेगा पर्सनल केयर में ऑर्गेनिक सेक्टर का। क्योंकि अगर हम पर्सनल केयर की प्रोडक्ट की बात करें तो अब हर चीज आपको हर्बल मिलेगी, आयुर्वेदिक मिलेगी और उससे मार्केट सैचुरेटेड होती जा रही है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं दूसरों से तो उसपे कोई ना कोई हमें डिफ्रेंशिएट दिखाने की जरूरत है। और जो करंटली मेरे को लग रहा है जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, वो ऑर्गेनिक है। क्योंकि दोनों ही नेचुरल होंगे लेकिन ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो हम अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो कि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिक जो टैग लगेगा किसी भी प्रोडक्ट में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में नहीं और दूसरे प्रोडक्ट में भी, जो ऑर्गेनिक टैग के प्रोडक्ट है उनकी सेल में बूस्टिंग होने वाली है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन एक बढ़िया आइडिया हो सकता है आपका, स्पेशली अगर पर्सनल केयर में हो या दूसरे प्रोडक्ट्स में है तो वो एक अच्छा बिजनेस आइडिया आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तीसरे अगर हम बिजनेस आइडिया की बात करते हैं तो वो रहेगा फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। एक्चुअली अगर हम पतंजलि को देखें तो वो अपने आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी देती है और वो काफी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल उनका रहा है। उसके बाद बहुत सारे जो एमएनसी कंपनीज है आयुर्वेदिक में या हर्बल सेक्टर में, उन्होंने भी अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना शुरू की है। अगर उनके आउटलेट्स के नंबर देखे जाए वो बहुत कम है, तो 2021 में हमें जो फ्रेंचाइजी आउटलेट्स है उनका जो नंबर ओपनिंग है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप रिटेल नहीं खोलना चाहते, आउटलेट नहीं खोलना चाहते, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का भी आयुर्वेदिक में क्रेज काफी बढ़ने वाला है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ना है, उनका होलसेल भी बढ़ना है। तो आप किसी कंपनी के साथ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट में भी जुड़ सकते हो, उनके प्रोडक्ट को मोनोपोली साइट्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये भी ट्रेंड 2021 में और ज्यादा देखने को मिलेगा। आप भी किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी आउटलेट ले सकते हो या आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट ले सकते हो मोनोपोली बेसिस पे, तो ये भी काफी बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगर फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो वहां पे पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की करते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, चाहे आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहते हो, तो पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंक्रीज होने वाली है, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। वैसे अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा वे है अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए बिना किसी कॉस्ट के, बहुत ही अंडर प्राइस कॉस्ट पे। अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है ऑनलाइन, तो ये बहुत ही बड़ा मीडियम है। क्योंकि टीवी कॉमर्शियल की तुलना में या न्यूज़पेपर ऐड की तुलना में ये बहुत ही सस्ता पड़ता है
और इसका बूम आगे 2021 में भी देखने को मिलेगा। अगर आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बनाने की जरूरत है, इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेने की जरूरत है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट काम है। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सब करते हैं तो आप एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ये चार बिजनेस आइडिया हमें लगते हैं कि 2021 में भी काफी बूम करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।